हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडियन फैमिली इन यूके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमने आइकिया से कुछ सामान ऑर्डर किया था तो आज वो डिलीवर हो गया है। और ये देखें, यहाँ पे इस तरफ इतने सारे रोज हमारे रिसाइकलिंग के डब्बे निकल जाते हैं ना, और अब इसमें का सामान अनबॉक्सिंग करने के बाद ये भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आइकिया से हमारी घर की डेली यूज होने वाली कुछ चीजें ऑर्डर की हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हम अभी अभी इस घर में मूव हुए हैं, तो धीरे धीरे एक एक करके हम हमारी जरूरत के हिसाब से चीजें ऑर्डर कर रहे हैं और हमारे नए घर को डेकोरेट कर रहे हैं। बट ये वीडियो स्पेशली आइकिया के प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के बारे में है। ये हमारा गेस्ट रूम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हमारे हॉल के लिए ऑर्डर किए थे ये ब्लैकआउट कर्टन्स, और इसका कलर मैंने ऑर्डर किया है येलो बेज कलर। हमारी हॉल की थीम के साथ ये वाला कलर एकदम परफेक्ट मैच हो रहा था। फिलहाल इस कर्टन को रखते हैं साइड में, मैं आपको बाद में लगाकर जरूर दिखाऊंगी विंडो पर। बढ़ते हैं हम हमारी अगली प्रोडक्ट की तरफ। तो ये मैंने ऑर्डर किए हैं 2 पिलोज, तो ये एक है। और इस पिलो में सबसे ज्यादा खास बात है कि ये वॉशेबल है। यस, आप इसको मशीन में वॉश कर सकते हो। वैसे तो ऑलरेडी हमारे पास है, पर ये 2 मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किए हैं पिलो। तो ये और एक पिलो है जो मैंने ऑर्डर किया है। और इतने से बॉक्स में इन्होंने इतना सारा सामान कैसे प्रॉपर पैक करके दिया हुआ है। इसकी पैकिंग काफी अच्छी है, मतलब हर एक प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से इन्होंने पैक किया है। और अब नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये मैंने मंगवाया है आइकिया का डुवे, और इसका साइज डबल है और ये भी वॉशेबल है। इसमें भी अलग अलग साइज के डुवे आते हैं, बट ये मैंने लाइट वेट और थिन डुवे ऑर्डर किया है, क्योंकि अब यहाँ पे हल्की हल्की ठंड चल रही है तो उसमें ये यूज हो जाए। तो ये मैंने ऑर्डर किया है आइकिया के मोस्ट फेमस स्टोरेज बास्केट। ईच बास्केट इज वोवन बाय हैंड, और ये इसी वजह से यूनिक है कि हर एक बास्केट हैंडमेड होता है और बहुत ही मजबूत होता है। तो ये मैंने लाइट नेचुरल कलर में ऑर्डर किए हैं। तो इस टाइप में मैंने 2 बास्केट ऑर्डर किए हैं, तो इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा ये खोलने के बाद। ये मैंने अमायरा के बेडरूम के लिए टॉयज या उसकी बुक्स रखने के लिए ऑर्डर किए हैं। अच्छे से ऑर्गेनाइज करके मैं आने वाली वीडियोस में इसे जरूर शेयर करूंगी। और यहाँ पे ये स्पेशल हमने हमारे गार्डन के लिए मंगवाए हैं गार्डन चेयर्स। ये आउटडोर फोल्डेबल ब्लैक एंड ब्राउन स्टेन चेयर है। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, और जब चाहे तब इसे खोल दो और जब चाहे तब इसे फोल्ड करके अंदर रख सकते हो आप। पहले तो मैं एक एक करके ये सारी चेयर्स को बॉक्स में से बाहर निकाल देती हूँ।
फिलहाल हमने ये तीन ही चेयर मंगवाई है क्योंकि हमारे गार्डन में बैठने के लिए कोई सिटिंग अरेंजमेंट है नहीं अभी, तो बाहर बैठने के लिए हमें इसकी ज्यादा जरूरत थी। ये हमें बहुत ही कम और रिजनेबल रेट में दिख गई तो हमने इसे ऑर्डर कर दिया। इसका मटेरियल साइड से मेटल है पर बीच की जो सीट है बैठने की वो वुड की है, तो ठंड में भी आप इस पे आराम से बैठ सकते हो। तो चेयर को हमने ओपन करके हमारे गार्डन में यूज के लिए रख दिया है। और हम बढ़ते हैं हमारे अगली आइकिया फर्नीचर की तरफ। हमने अमायरा के रूम में टॉयज और बुक्स रखने के लिए ये मंगवाया है शेल्विंग यूनिट। सब करना है अमायरा को। बना रही है अमायरा वार्डरोब, बेड बना रही है। अच्छा, अमायरा बेड बना रही है, पेंट करना है उसको। ये व्हाइट कलर में है और इसकी वुड की फिनिशिंग भी काफी अच्छी है, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस शेल्फ को आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में आपके घर पे लगा सकते हो, लाइक इसमें आप डोर लगा सकते हो, ड्रॉवर्स लगा सकते हो। पटाखे भी ला रहे, उसको डिस्टर्ब हो रहा ना हमारा, फिक्सिंग कर रही है ना वो, हमारा फिक्सिंग कर रही। हाँ। क्या बना रही है? टॉय की बना रही है उसकी। टॉय की बना रही? नहीं, नहीं। फिर? टॉय रखने की। ओके, सब मालूम है हमारा को। और इसके साथ प्रॉपर लगने वाले स्क्रू इन्होंने दिए हुए थे, तो इसे असेंबल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा हमें। यहाँ पे ये दोनों ने मिलकर शेल्फ को असेंबल कर दिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसको रूम में ऊपर रख कर देखते हैं कि ये बराबर फिट आता है या नहीं और कैसा लगता है। और यहाँ पे देखिए हमारा कितनी मेहनत करने में लगी है। थक गई टायर? नो। ओके, आर यू एक्साइटेड? यस। तो अब हम बात करते हैं कुछ किचन प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आइकिया से कुछ सामान खरीदा हो और उसमें किचन के लिए कुछ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि ये कटलरी सेट, इसको हमने मॉरिसन से खरीदा हुआ था। बस मैंने आइकिया के सारे प्रोडक्ट के साथ इसे रख दिया था तो मैंने सोचा आपको एक बार दिखा दूं। ये हाई क्वालिटी लग्जरी कटलरी सेट हमें बहुत टाइम से चाहिए था। ये ऑल इन वन 16 पीस का सेट है और इसकी यूनिक बात यह है कि जो पीछे पकड़ने वाली डंडी आती है वो सारी इसकी राउंड शेप में है। और इस एक सेट में चार अलग अलग तरह की कटलरी आती है। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और पैकेजिंग भी यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से इन्होंने की है। हर एक स्पून के सेट को कितने अच्छे से इन्होंने यहाँ पे पैक किया हुआ है। एक एक स्पून दिखने में इतना प्यारा लग रहा है, आप बस इसकी फिनिशिंग देखिए। और ये हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील में बने हुए हैं तो लॉन्ग टर्म यूज के लिए हैं। और जैसे कि मैंने बताया ये 16 पीस का सेट है तो हमने दो मंगवाए हैं। इस तरह से ये एक पूरा सेट हो गया है। अब ये हम दूसरा वाला खोल देते हैं। और एक 16 पीस के सेट में हमें 4 फोक, 4 नाइफ, 4 टीस्पून और 4 स्पून मिले हैं। सो हियर इज द फुल सेट जो किसी भी टेबल पे फिट बैठता है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगली प्रोडक्ट की तरफ। ये है एक डिनर वेयर सेट जो कि हमने आइकिया से खरीदा है। इसमें सबसे पहले हम ओपन करते हैं ये 4 बिग साइज बॉल। तो ये सिंपल सा लाइट बेज कलर में हमने डेली यूज के लिए डिनर सेट लिया है। और सबसे जरूरी बात, ये डिश वॉशर सेफ है, तो इजी टू यूज एंड इजी टू क्लीन है।
और इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर डायमंड कट शेप में है। ये ऐसे 4-4 के बंच में पैक करके आया है, पर हमने ऐसे टोटल मिला के 32 पीस का सेट खरीदा है। और सबसे अच्छी ये बात है कि IKEA के ये सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। हम काफी टाइम से IKEA के ये डिनर सेट, टी कप सेट यूज कर रहे हैं, तो ये डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो ये हो गया है पूरा सेट। इसमें का आधा सेट मैंने पहले ही ओपन कर दिया था। टोटल हमारा 32 पीस का सेट है और ये सिंपल सोबर सा डिनर सेट कोई भी डाइनिंग टेबल के ऊपर आप प्लेस करोगे तो काफी सुंदर दिखेगा। मैं आपको एक बार इसकी कटलरी सेट के साथ प्लेसिंग भी करके बताती हूँ ये कितना प्यारा लगता है। ये डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है ही, उसी के साथ साथ अगर कोई मेहमान भी आते हैं हमारे घर में तब आप इसकी इस तरह से प्लेसिंग करके उनके सामने रख दोगे तो भी काफी अच्छा लगेगा। तो आपको कैसा लगा डिनर सेट ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ ये वुडन चॉपिंग बोर्ड भी हमने IKEA से ऑर्डर किया है। इसको आप टॉपिंग के लिए तो यूज कर ही सकते हो, उसी के साथ साथ सर्विंग प्लेट जैसे भी इसका यूज हो सकता है, जैसे कि ड्राई कबाब हो या पिज्जा हो, तो ऐसे कुछ ड्राई स्नैक्स की चीजें आप इसके ऊपर रख कर मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हो, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो चलिए आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। इन सारी चीजों को मैं फिलहाल डालती हूँ डिश वॉशर में एक वॉश के लिए, ताकि हम इसे यूज कर सके। और आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे IKEA प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग में मजा आया होगा। हम जैसे जैसे हमारा नया घर सेट कर रहे हैं वैसे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और प्लीज हमारी मोटिवेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।